जो एलन का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, एलन में जब एडमिशन बच्चा लेता है बहुत सारा चीज होता है जो एलन सिस्टम में यूनिक चीज होता है, तो आज वो एक यूनिक चीज आप लोग देखें, ये ओरिएंटेशन से शुरू हुआ। एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमारे जो जोनल हेड सर है रजनी सर और हमारे जो पूरे इंडिया के चीफ एकेडमिक ऑफिसर प्रेसिडेंट सर है सीआरसी सर, वो लोग यहाँ पे आए और स्टूडेंट को किस तरह से वो लोग इफेक्ट किए, इम्पैक्ट किए, आप लोग सब वो देखे। नाउ अब हम बोलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपके मन में जो जो सवाल आता है वो आप पूछिएगा, उससे पहले सर को भी जो जो पॉइंट बोलना है वो बोलेंगे। सर थैंक यू। मायसेल्फ सीआर चौधरी, प्रेसिडेंट फॉर एलएन, and today I really feel privileged in the Kolkata first session. और एलन जब भी अपना सत्र स्टार्ट करता है, सेशन स्टार्ट करता है, पेरेंट्स और बच्चों को और टीचर तीनों एक साथ बैठते हैं हॉल में और उनकी अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस सेशन में बताते हैं। पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाते हैं, बच्चों को पेशेंस और साथ ही साथ उनके अपनी सक्सेस के लिए जो टूल है उनको सिखाते हैं, और टीचर्स अपनी ड्यूटी के कमिटमेंट के लिए रहते हैं, इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। आई एम वर्किंग विद एलन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर और कोटा के अंदर मैं एलन के साथ जुड़ा और पूरे देश के 50 प्लस जो सेंटर्स हैं सबको गवर्न करने में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और पेन इंडिया एजुकेशन के जो सिस्टम्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सब के बारे में मैं अपना एक फॉर्मेट रखता हूँ इस टाइप से जिससे कि सबको उसका बेनिफिट मिले। एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप आज टाइम निकाल के आए, तो मैं चाहूँगा कि आप एलन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में जो भी आपके मन में है आप उससे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। माइक सर के पास है, सर जो भी आपसे माइक मांगे आप दीजिएगा और आप उससे क्वेश्चन पूछिए। हाउ इकोनॉमिकल यू आर? एक्चुअली दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेशन सिस्टम, सो इट्स इकोनॉमिकली आई थिंक इट्स अ टोटल द इकोसिस्टम। एलन इज ओनली द सेंटर, ओनली द इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, आई आई टी है चाहे मेडिकल है, चाहे पी एच डी होल्डर्स हैं, चाहे वो बहुत अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं। तो देखिए हेल्थ और एजुकेशन में ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पर मैन वर्ड ब्रेन काम करता है दोनों जगह। अच्छे डॉक्टर्स से अच्छा हॉस्पिटल चलता है, उसी तरह से अच्छे टीचर्स से ये इंस्टीट्यूट चलता है, तो एक पूरा इकोसिस्टम है। एलन कभी भी अपने पूरे सिस्टम में मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता है जितना ज्यादा अकेडमी में बिलीव करता है, इसलिए अच्छे अकेडमिशन यहाँ पर है, इसलिए उसका पूरा एक इकोसिस्टम है कि हाँ कि जो फीस हम बच्चे सब पेरेंट्स से लेते हैं वो वैल्यू फोर करके उसको हम उतना डिलीवर करते हैं। कैन अ पुअर स्टूडेंट अफोर्ड यू? या ऑब्वियसली दैट मेनी यू हैव माय 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 क्वेश्चन इज मेनी सिस्टम इन आवर प्रोसेस एडमिशन, अगर कोई बच्चा आर्मी बैकग्राउंड का है तो उसका फ्लैट स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे प्रोसेस पे हमारी वेबसाइट पे है। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली चैलेंज है तो उसके अपने प्रोसेस है, तो उसका स्कूल का कहाँ का रहा हुआ है, उसको कौन वेरीफाई कर रहा है, एटलीस्ट उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स है जो उसको वेरीफाई करता है, तो उसके बेसिस पर 90% तक स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस है। इवन कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा अचीवर है उसका भी एसेट के थ्रू और वो भी अपनी स्कॉलरशिप लेता है, तो ऐसा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। उसमें हम स्कीम चलाते हैं, आशा स्कीम है, गुदरी के लाल है, जिनके थ्रू ऐसे बच्चे जो बहुत पुअर फार्मर्स है, कोई लेबर बैकग्राउंड से है, तो उनके बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो उनको हम ऑलमोस्ट फ्री भी पढ़ाते हैं और उनमें से कई बच्चे अच्छे रिजल्ट भी लेकर आए। तीसरा बात, हाउ मेनी सेंटर्स यू हैव राइट नाउ इन इंडिया? 55 सेंटर्स, 55 सिटीज इन कलकत्ता, फोर लोकेशन, कौन कौन से सर? हम लोग का जब कलकत्ता में हम लोग ये किए तो हम लोग का पहला सेंटर हाजरा जो कि जतिनदास मेट्रो स्टेशन के पास है, दूसरा सेंटर हम लोग का चिनार पार्क, ये हम लोग का फर्स्ट एकेडमिक ईयर में था। सेकेंड ईयर में हम लोग का सेंटर जो दोहा चालू हो चुका है, बैरकपुर सेंटर एक और मिंटो पार्क सेंट्रल कलकत्ता में, तो ये हम लोग का चार सेंटर। सर हाउ इज द सक्सेस रेट ऑफ कोलकाता स्टूडेंट्स कंपेयर्ड टू अदर सिटीज?
Very good, sir. This is a very good question. Right now, like Calcutta is in first year, lekin in just now the results which are published, in that now JEE Mains first attempt results are published. In that, I am really fortunate to say you that 99.99 percentile. This is the landmark achievement of our student from Calcutta Center. So, one more thing I would tell that iske ye jo Calcutta ka center ka ye jo achievement hai, this is just the tip of the iceberg. Many things are about to come in your NEET result also, which will come in 2-3 months time. You will see the result over there. Aur ye hum log sirf 12th ke upar dekhte, even at junior level, PNCF level, the kind of success our students have got in this 1 year in various Olympiad examination. Abhi bhi hum log felicitate kiye the bahut sare students ko, wo log Olympiad level pe yahan se represent kar rahe. Hamara yahan ka ek bachcha hai Soumin, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट अभी वो भूमि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे एक ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के लिए भी जा रहा है. कोलकाता के लिए एक बात और सर, कि वेस्ट बंगाल में हमारा पहला सेंटर दुर्गापुर बना था, जो कोविड से पहले बना था. आज दुर्गापुर हमारा इतना अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है वेस्ट बंगाल का, अभी कोलकाता उसके बाद खुला है. तो दैट इज द ऑन सेम ट्रैक एंड दैट वॉज द ऑल्सो लीड अर्लियर बाई सर एंड दिस टाइम सनियाल सर इज द लीड द कोलकाता. सो वी होप वेस्ट बंगाल में कितने सेंटर हैं? टोटल वेस्ट बंगाल सिटी वाइज अगर देखेंगे तो दुर्गापुर वाज फर्स्ट, देन द सेकंड वाज सिलीगुड़ी, देन द थर्ड इज कोलकाता. सिटी वाइज 3 सेंटर. हाउ इज पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स एंड मफस्सल एरिया? स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर स्मॉल. वेरी गुड सर, वेरी गुड. इफ यू सी दुर्गापुर में भी आवर अदर सेंटर इन आवर रिपीटर बैच, जो लोग 12th के बाद करते हैं, इवन इन क्लास 11 टू 12, आई विल टेल यू दैट मोर देन 45% स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑल एरिया. अगर दुर्गापुर एज अ सिटी भी आप देखेंगे तो दुर्गापुर का जो क्राउड है दैट इज वेरी स्मॉल क्राउड. तो ये एलएन के नाम पे ये पीपल आर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑल एरिया. वेरी गुड पार्टिसिपेशन. अगर हम यहाँ पे बोले दुर्गापुर कैलकटा में, अगर हम लोग अगर नीचे आ गए क्वांटाई और ये सब रीजन से स्टूडेंट आ रहे हैं, मेदनापुर से स्टूडेंट फ्लो कर रहे हैं, तो वेरियस सेक्टर पॉकेट्स आते हैं जहाँ से स्टूडेंट, कठुआ, ये बहुत जगह है जहाँ पे ये सब. So my son is to go and take the exam at Akugachi. Now that system has changed. Do you have online classes over there? Regular classes are being held over there? Actually, sir, we have three types of the process. One is the distance courses, that is only up to material and testing system. No backup class, any kind of like digital or classrooms. And one thing, parallelly, total digital course is the available. Where is there no need any kind of the physical classes, everything on the online. And third one, that is the always best, and that is the offline class. Because learning is like as a mother love. एक माँ अपने बच्चे को जो सिखाई हो तो साथ रह के सिखा सकती है. एक टीचर भी जब एक बच्चे को सिखाता है तो जो उसका आई कॉन्टेक्ट बेसिस पर जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हाइएस्ट रहता है. आप भी देखिए, हम जूम मीटिंग में जब किसी से मिलकर मीटिंग करते तो हमारा एटीट्यूड, और हम फिजिकली उस मीटिंग को करते तो हमारा एटीट्यूड बहुत फर्क होता है. तो लर्निंग में एक बच्चे के लिए सीखने के सबसे अच्छा ऑफलाइन का कोर्स होता है. तो हमारे तीन तरह के कोर्सेज चलते हैं, तीन तरह के सिस्टम चलते हैं. तीन में क्या क्या है सर? यस, हाँ, तीन जो आपके कोर्सेज हैं वो क्या क्या है सर? यही सर जो बोले मैं, तीन चीज है. डीएलपी जो होता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एक होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड, और एक हो गया है कि एलएन डिजिटल, जहां पे एलएन डिजिटल पे ऑनलाइन बच्चों को सपोर्ट दिया जा रहा है क्लासरूम का, स्टडी मटेरियल का, और तीसरा क्लासरूम प्रोग्राम. तो ऑल द थ्री आर अवेलेबल एट कोलकाता. दिस एलएन इज ए इंग्लिश वर्ड, बट बिहाइंड ऑफ दिस वर्ड एक्चुअली दैट इज द क्रिएट बाय इंग्लिश लेटर एल डॉट एन, फुल फॉर्म ऑफ दैट लक्ष्मी नारायण. सो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके फादर का नाम रहा है लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने अपने फादर के नाम पर इसको कुछ टाइम तक एल डॉट एन से ऐसी क्लासेस चलाई थी, फिर उसको इस इंग्लिश वर्ड से उसको रिप्लेस किया. तो अभी भी फीलिंग वही उनकी हमेशा रहती है, उनके फादर का फोटो भी लगा हुआ है, तो उन्हीं को डेडिकेटेड करके इसको चलाते हैं. अर्लियर एज में उनके फादर की डेथ हो गई तो ये उनको ही डेडिकेट करके चारों साल चलाते हैं. अभी जैसे डिजिटल हो गया सब कुछ, एआई आ गया है, इंडिया के कितना रिमोटेस्ट कॉर्नर में आप लोग पहुंच पाएंगे, कितना जल्दी तक वो बच्चे लोग भी आ सके आपके कोर्सेज में? सर, हम इंडिया के हाईएस्ट रिमोट लेवल पर भी काम करते हैं थ्रू ऑनलाइन, और वो बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं. हो सकता है आपने से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपके क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोचिंग का सोसाइटी को क्या बेनिफिट रहता है. तो आपने जो क्वेश्चन कहा है, हमारे इंडिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रिमोट एरिया में,
वहाँ स्कूल में साल भर करिकुलम ही नहीं चलता है। अगर मैं वहाँ बच्चा हूँ और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज यानी आई टी जाना है तो पता चला मेरे दो महीने तो मैथ्स वाले सर ही नहीं आए यहाँ, और आए तो भी उनको वो नहीं पता है, और मैं टैलेंटेड हूँ और वही कोलकाता का सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला इनका बच्चा वो स्कूल में जाते हैं, वो सर भी उतने अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ भी रहा है आई टी में। स्कूल के लिमिटेशन से उस स्कूल में केवल 150 बच्चे पढ़ सकते हैं या 100 बच्चे, गवर्नमेंट सीट फिक्स कर रखी है, और ऐसे ही 1000 बच्चे रिमोट वाले चाहते हैं उस स्कूल में पढ़े, चाहे जमीन भेज दे तब भी स्कूल एडमिशन नहीं दे सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता फिर होता है कोचिंग का, कि मैं अपनी फीस देकर और मुझे वो प्रोफेशनल मिल रहे हैं जो आई टी कॉलेज से पास आउट है और सोसाइटी का हाईएस्ट ग्रेजुएट है, तो वो मेरे लिए कोच का काम कर रहे हैं, और मैं उस कोलकाता के उस अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से भी अच्छा करके मैं आप सीधा आई टी जा सकता हूँ। तो इस देश के अंदर मीडियम और लो मीडियम फैमिलीज के उन बच्चों के जो सपने थे आई टी मेडिकल के, वो एम्पावरमेंट किसी ने दिए तो वो कोचिंग।